हेलो गाइस, नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे चैनल। मैं मनोज कुमार। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं आज सियाटिका के बारे में। एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में काफ़ी ओल्ड एज जनरेशन बहुत ज़्यादा इसको क्या है प्रताड़ित है और इसे सफ़र कर रही है। तो जी हां, बात करने वाला हूं सियाटिका के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं सियाटिका एक्चुअली नाम क्या है। सियाटिका, तो इसको सियाटिका एक हमारी तंत्रिका होती है जो हमारे कूल्हे से निकल तक पैर तक जाती है। दोनों पैरों में यहाँ से निकलती है, पेल्विक से निकल के हमारे सीधे सीधे पैर तक पहुँचती है। उसमें उस सियाटिका जो है, सियाटिक इसको नर्व बोलते हैं, उस सियाटिक नर्व में ही बहुत सारे दिक्कत या फिर कुछ न किसी रीजन की वजह से उसमें परिवर्तन आ जाते हैं और उसमें जैसे नर्व कंप्रेशन वगैरह है या फिर चोट की वजह से है, इंजरी की वजह से, उसमें सियाटिक नर्व में इन्फ्लामेशन होने की वजह से उसमें क्या है, उसको एक सियाटिका बीमारी का नाम दे दिया है और उसको कहते हैं सियाटिका पेन कहेंगे या फिर सियाटिका नर्व के में होने वाले इन्फ्लामेशन कहेंगे या फिर सियाटिका न्यूराइटिस कहेंगे इसको। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं सियाटिका जो नर्व है निकलती कहाँ से। तो हम इसको बेसिकली देखते हैं तो हम सबसे पहले रीढ़ की हड्डी में बहुत सारे इसको क्या कहते हैं वर्टीब्रेट, इसको वर्टीब्रेट कॉलम कहते हैं। अब मान के चलिए वर्टीब्रेट कॉलम, जैसे आपको छूने में पता चल जाएगा बिल्कुल ये बीच में रीढ़ की हड्डी है, इसमें बहुत सारे क्या हैं कॉलम्स बने हुए हैं। कॉलम्स का मतलब बहुत छोटी छोटी फ्रेम्स हैं हड्डियों के, उन हड्डियों के बीच में नीचे तक बिल्कुल गए हैं, बिल्कुल हमारे जो टेल तक, बिल्कुल कमर तक, वहाँ तक पहुँचे हैं। उसी में से बहुत सारी तंत्रिकाएँ निकली हैं, उन्हीं तंत्रिकाओं के सहारे पूरी बॉडी हमारी क्या है वर्क करती है, उसी को जैसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ये सीधा का सीधा इसका कनेक्शन हमारे मस्तिष्क से होता है और मस्तिष्क से सीधे अंदर पहुँचती है और सीधे सीधे हमारे यहाँ तक जितने पेरीफेरल अंग्स होते हैं, पेरीफेरल अंग का मतलब जो होता है जिस हमारे बाहरी अंग हाथ हैं पैर हैं, तो इनका काम करने का तरीका या फिर इनको चलाने का तरीका सारी तंत्रिकाएँ वर्क करती है। उन्हीं में से एक तंत्रिका का नाम है जैसे सियाटिका, सियाटिक नर्व। सियाटिक नर्व दोनों पैरों में निकलती है और बेसिकली कहाँ से निकलती है, इसी रीढ़ की हड्डी मैंने बताया था, बिल्कुल निचले वाले हिस्से से लंबर वर्टीब्रेट कहेंगे तो लंबर वर्टीब्रेट कॉलम से ही निकलती है, बिल्कुल नीचे है। इसको कह सकते हैं कमर के निचले हिस्से से, बिल्कुल तो कमर से तो कॉलम आया है, पूरा रीढ़ की हड्डी कमर तक आई है, तो बैक साइड पिछले हिस्से से बिल्कुल, तो निचले हिस्से से बिल्कुल निकलती है। अब इसका निकलती है तो उसको समझते हैं ये दिक्कत क्यों होती है, इसका रीज़न सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। तो एक कोई एक छोटा सा रफली मैंने डायग्राम से बनाया, शायद आपको इसमें दिखाई देगा ये है। तो जैसे मैंने इसमें कोशिश की है थोड़ा सा ट्राई करने की, तो जैसे मान के चलिए मैंने ये वर्टीब्रेट कॉलम बनाया, ये पूरा हेड बनाया है, तो ये वर्टीब्रेट कॉलम जिससे पिछले हिस्से में बिल्कुल गया है, इसमें बहुत सारी क्या होती है छोटी छोटी क्या होती है हड्डी होती हैं, उनको मिलके ही इसको क्या है वर्टीब्रेट कॉलम कहा गया। इन्हीं के पीछे से हमारी निकलती है सियाटिक नर्व नहीं निकलती, इनके पीछे से हमारे न्यूरल या स्पाइनल कार्ड निकलती है। स्पाइनल कार्ड हमारे क्या होती है पूरी सप्लाई। अब मान के चलिए ये हमारा पूरा है, इसको पेल्विक रीजन बोलते हैं या फिर कूल्हे की हड्डी बोलेंगे इसको, ये हम बड़ी बड़ी बनाई है। इन कूल्हे की हड्डी से पीछे से हमारे निकलती है यहाँ से, ये हमारे यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ से सियाटिक नर्व यहाँ पर नीचे पैरों तक पहुँचती है, बिल्कुल सेम ऐसे ही यहाँ से निकलती है, इस दोनों पैरों के यहाँ तक सियाटिक नर्व निकलती है। अब इसका सीधा सीधा संबंध हमारे यहाँ से कॉलम से होता है, यहाँ से निकलती है। अगर इस कॉलम में यहाँ पे दोनों हड्डियों के बीच में या फिर या तो कोई चोट लग जाए या फिर हमारा कहीं पे यहाँ पे इंजरी हो जाए या फिर यहाँ पे गिरने से या फिर यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो जाए यहाँ पे, या दोनों हड्डियों के बीच से जहाँ से नस तंत्रिका निकल रही है ये दोनों की हड्डियों के बीच बढ़ना स्टार्ट हो जाए, इसको डिस्क हर्निया बोलते हैं इसको, ठीक है, या फिर इन दोनों में क्या हो कहीं पर दोनों मिलने लगे, दोनों हड्डी स्पेस बहुत कम हो जाए, तो यहाँ से तंत्रिका पर कंप्रेशन पड़ने लगेगा, उस पर दबाव पड़ने लगेगा, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे संबंधित इस वाले हिस्से में यहाँ पे दर्द स्टार्ट हो जाएगा और उनके साथ साथ नीचे हमारे यहाँ तक पीछे जांग में होते हुए नीचे काफ तक हमारे एड़े और एड़े से पंजों तक पूरा है, इसमें क्या होगा दर्द हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमने बताया था सियाटिका का ओरिजिन, मतलब सियाटिका कहाँ से नर्व निकलती है और इसमें क्या क्या सब क्या क्या दिक्कत होती है। सबसे पहले सियाटिका के बारे में हमने समझा सियाटिका एक्चुअली होती क्या है, तो सियाटिक नर्व के ही सियाटिका को उसको नाम दिया गया है। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे संबंधित एरिया में मान के चलिए अगर हम बहुत ज़्यादा देर बैठ रहे हैं और बैठने की वजह से उस पर कंप्रेशन हो रहा है और नर्व कंप्रेशन इसको बोलते हैं, तो इसकी वजह से उसमें क्या है डिस्क हर्निया भी हो सकती है। इसके बहुत सारे कहने का मतलब बहुत एक रीज़न ये है
अगर रीढ़ की कॉलम की जो कॉलम दिया गया उसमें कोई भी परिवर्तन है चेंज की वजह से अगर उसमें दिक्कत आएगी, नर्व में दिक्कत आएगी, तो नर्व में दिक्कत होने की वजह से ही इसके सिम्टम्स बताएंगे। अगर दिक्कत आएगी तो क्या क्या सिम्टम्स आगे मैं डिस्कस करूँगा, तो उसकी वजह से इसमें दिक्कत आएगी। तो जिसको हम कहते हैं सियाटिका पेन कहते हैं, या इसको सियाटिका कहेंगे, या सियाटिका नर्व में इन्फ्लामेशन कहेंगे, या सियाटिका न्यूराइटिस कहेंगे। तो ये समझ गए होंगे कि सियाटिका चीज़ होती क्या है और क्या है इसको। दूसरी बात हम क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सियाटिका नर्व। अब हम सियाटिका के नर्व में पता डिस्ट्रीब्यूशन उसके मीन्स उसके कार्य मतलब कहाँ कहाँ तक उसका कार्य क्या क्या है। तो सियाटिका नर्व के द्वारा संचालन भाग या अंग उसको डिस्ट्रीब्यूशन ही कहेंगे, या सियाटिका नर्व के द्वारा जो जो अंग संचालित होते हैं। तो मेनली सियाटिका नर्व के फंक्शन दोनों पैरों का ही संचालन है, उसमें कमर से लेकर नीचे तक पैर यानी एड़ी से और तलवों तक का पूरा संचालन सियाटिका नर्व के द्वारा ही अधिकतर किया जा रहा है। तो सबसे पहले इसमें क्या दिक्कत होगी, तो सबसे पहले लोअर बैक मींस कमर में दर्द स्टार्ट आपके हो जाएगा। तो मेनली एक ही तरफ होगा, साधारणतः एक ही सियाटिका नर्व प्रभावित होगी, दोनों एक साथ नहीं होंगी, लेकिन एक होगी तो क्या दिक्कत होगी, तो मेनली क्या होगा कमर में दर्द आपके स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा रीज़न ये है बुटक, इसका मतलब हो जाए कूल्हे में दर्द, पेन इन द बुटक, ठीक है। दूसरा हो जाएगा वेरियस पार्ट ऑफ द लेग्स में क्या विभिन्न पाग जो हमारे पैर के पार्ट हैं उनमें क्या है दर्द स्टार्ट हो जाएगा, या फिर उनमें सूजन भी आ सकती है। और जो पैर की एड़ी या तलवा उनमें क्या वहाँ पे भी क्या दर्द स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स जहाँ जहाँ से नर्व की सप्लाई गई वहाँ पे क्या हमको दर्द का एहसास होगा। अब हम इसी क्रम में सिम्टम्स देख लेते हैं उसको सियाटिका के। अगर सियाटिका अगर आपको नस लग रही है मुझे यहाँ से यहाँ तक, और एक्चुअली ये पॉइंट टू पॉइंट जाएगी, इसका पेन होता है पॉइंट टू पॉइंट पेन होगा, बिल्कुल एक जगह पेन होता हुआ है मुझको नस मान के चलिए ये वाली अगर नस है तो जहाँ जहाँ से नस अगर ये इसको पास हुई है तो बिल्कुल वहीं वहीं हमको पेन इसका एहसास होता चला जाएगा कि हमारे हैं इस जगह नीचे से लेकर, और इसका पेन हमेशा ऊपर से लेकर नीचे तक आपको एहसास कराएगा बिल्कुल। तो कमर दर्द में और नीचे कमर दर्द से नीचे तक हमारे पैर की एड़ी तक हमारा दर्द ये आएगा। तो सबसे पहले इसके सिम्टम्स हम देख लेते हैं। तो सिम्टम ऑफ द सियाटिका नर्व या फिर सियाटिका के सिम्टम्स हम देख लेते हैं लक्षण, उसके हिंदी में कहेंगे इसके लक्षण। इसके लक्षण क्या है सियाटिका पेन के या सियाटिका के लक्षण क्या है, तो बिल्कुल हिंदी में समझते हैं इसको। तो सबसे पहले पेन इन द लेग्स, जैसे पैर में दर्द होगा। हम साधारणतः एक ही सियाटिका की बात कर रहे हैं, अगर एक सियाटिका मेनली एक ही प्रभावित होती है, दोनों में एक साथ कॉम्प्लिकेशन नहीं, बहुत रेयर केस में होता है अगर होगा, तो सबसे पहले पैर में हमारे दर्द स्टार्ट हो जाएगा। पैर में दर्द कहाँ से स्टार्ट होगा, कमर से लेकर नीचे तक आपको दर्द का एहसास होगा। दूसरा पेन इन बुटक, बुटक में कूल्हे में आपका दर्द स्टार्ट हो जाएगा इसी से, है ना, तो संबंधित रीजन, तो कूल्हे में दर्द हो जाएगा। तीसरा है पेन इन द लोअर बैक या बेस्ट, इसको कहेंगे कमर में दर्द, है ना, तो लोअर बैक मीन्स पिछले हिस्से में हमारे क्या कमर की दर्द में क्या होगा हमको कमर में क्या है दर्द हमारे स्टार्ट हो जाएगा एक तरफ, ठीक है। दूसरा जो है टिंगलिंग इन द लेग्स, मीन्स ये होगा हमारे पैरों में क्या झंझनाहट एक पैर में बढ़ जाएगी हमारे, ठीक है। दूसरा जो नेक्स्ट लक्षण आएगा इसमें डिफ़िकल्टी इन द वॉकिंग, डिफ़िकल्ट वॉकिंग मीन्स चलने में एक पैर में चलने में हमको असुविधा होगी और पैर हमारा क्या होगा उसमें ठीक से या फिर मैनर ऑफ द वॉकिंग चेंज हो जाएगा, जो चलने की चाल है उसमें क्या हमारा परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है, सियाटिक नर्व की वजह से। इसके बाद में वीकनेस इन द लेग्स, मीन्स हमारे जो कमजोरी संबंधित जो पैर है उसमें क्या है हमको कमजोरी का एहसास होगा। कमजोरी का एहसास मीन्स ये होगा अगर हम ठीक से उसको वजन ले रहे हैं या फिर ठीक से वॉकिंग कर पा रहे हैं तो हमको ऐसा लगेगा कि पैर हमारा क्या है कमज़ोर होता जा रहा है, या फिर हमसे ठीक से चलने में या फिर बाइक चलाने में बाइक या फिर साइकिल चलाने में या फिर रनिंग करने में हमको क्या होगा इसमें क्या है दिक्कत या परेशानी आ रही है, तो इसकी वजह से भी इसको हो सकती है। दूसरा आ जाएगा लॉस ऑफ सेंसेशन इन द रिलेटिव पार्ट्स, मीन्स बॉडी से मतलब हमारे जो फुट है उस पैर से लेग्स के संबंधित पार्ट उनमें सब में क्या आएगा सेंसेशन लॉस। सेंसेशन लॉस का मीन्स ऐसा हो जाएगा वहाँ पे क्या जहाँ जहाँ से नर्व अगर हमारी जा रही है तो उस पार्ट में क्या होगा सेंसेशन लॉस, मीन्स उसमें सुनपन की समस्या आ जाएगी उसमें। तो सुनपन की समस्या, सुनपन के लिए मतलब अगर वहाँ पे पैन टच करके देखोगे तो वहाँ पे ऐसा क्या होगा हमको सेंसेशन लॉस हमको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पे संवेदन कैसी हो रही, संवेदनाहीन हो रही है और मुझे यहाँ पे छूने का किसी का एहसास नहीं हो पा रहा या फिर कम हो गया, तो लॉस ऑफ सेंसेशन हो गया रिलेटेड टू द पार्ट्स। नेक्स्ट उसमें यहाँ बर्निंग इन द लेग्स, मीन्स उनमें गर्माहट, बर्निंग का मतलब पैर में जलन होना। पैर में जलन होने का मतलब ये है मान के चलिए अगर बैठे थोड़ी देर बैठ लिए तो उस पैर में बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी एकदम तो टिंगलिंग, टिंगलिंग मीन्स बहुत ज़्यादा झंझनाहट स्टार्ट हो जाएगी,
दूसरा उसमें क्या है, जलन पैर में तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही नर्व पे हमारे प्रेशर पड़ेगा तो संबंधित एरिया में हमारे क्या है, ये जो हमने बताया ये सारे सिम्टम्स क्या है, हमको शो करने लगेंगे। तो ये समस्या हमने जो बेसिकली मैंने देखा था, तो सियाटिक हमने नर्व उसको सियाटिका हमने देख ली थी आज, और सियाटिका का डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया था, और उसके बाद हमने उसके सिम्टम्स देखे थे सियाटिक पेन के या सियाटिक नर्व के। तो मुझे अब मैं नेक्स्ट वीडियो इसके बनाऊंगा तो उसमें इसका ट्रीटमेंट बताऊंगा, बिल्कुल नेचुरोपैथी से इसका इलाज कैसे करेंगे, बिल्कुल नेचुरल ट्रीटमेंट बताएंगे इसको, होम रेमेडी ट्रीटमेंट बताएंगे, थोड़े से प्रिकॉशंस बताएंगे इसमें क्या करना है क्या नहीं आपको करना है। तो बात बाकी मैं आज कल ये इतना ही, और मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे, और आपका अगर कोई रिलेटिव वगैरह कोई है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आपको पुट कर सकते हैं, और आपको अच्छे लगा होगा मेरी द्वारा जानकारी तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाकी इतना ही, थैंक यू।